इस बार टीवी के इतिहास में एक मेगा क्लैश होने जा रहा है। पहली बार सलमान खान के बिग बॉस से नच पलिए टकराने जा रहा है। जी हां, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस अक्टूबर के महीने में आप बिग बॉस 14 और नच पलिए सीजन 10 की एकदम आमने सामने वाली टक्कर देख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? सलमान खान वाला बिग बॉस 14 देखेंगे या फिर सेलिब्रिटीज को नच के मंच पर ठुमके लगाते हुए देखना पसंद करेंगे? चलिए, जब तक आप इस सवाल का जवाब सोच रहे हैं, हम आपको पूरी खबर तफसील से बता देते हैं। मशहूर एंटरटेनमेंट वेबसाइट स्पॉट बॉय की खबर के मुताबिक नच पलिए का सीजन 10 स्टार प्लस पर ऑन एयर किए जाने की प्लानिंग चल रही है। खबरें हैं कि इसे अक्टूबर में टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन इसी के टाइम स्लॉट पर कलर्स टीवी के शो बिग बॉस 14 के वीकेंड एपिसोड टेलीकास्ट होंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई। वैसे अगर बिग बॉस 14 और नच पलिए 10 एक ही स्लॉट पर ऑन एयर होते हैं तो दोनों शोज की टीआरपी में तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। बिग बॉस कब से शुरू होगा, इस पर फिलहाल कोई पक्की डेट तो सामने नहीं आई, लेकिन शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर खबरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीद है कि इस पर जल्द ही कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पिछली बार सलमान खान ने ही नच पलिए का पिछला सीजन प्रोड्यूस भी किया था और इस बार यही शो खुद उन्हें टक्कर देने आ रहा है। अब ऐसे में नच पलिए के नए सीजन में क्या क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अब जब इन दोनों शोज के एक टाइम पर टकराने की खबर भी सामने आ रही है, तो अब आप बताइए कौन से शो को लेकर ऑडियंस ज्यादा होगी दीवानी? क्या सलमान खान के फैंस बनकर बिग बॉस देखेंगे या फिर नच पलिए के नच का मजा लेंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सलमान खान की इमेज और फैन बेस में पिछले दिनों काफी बदलाव आया है। देखा जाए तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सलमान खान की इमेज पर भी गहरा असर पड़ा है। उनके खिलाफ हेट कैंपेन चल रहे हैं, तो क्या इन सब बातों का सलमान के शो बिग बॉस पर भी असर पड़ सकता है? खैर, इसके बारे में तो उसी समय पता चलेगा जब सलमान के बिग बॉस 14 के प्रोमो का फर्स्ट लुक सामने आने शुरू होंगे। खैर, आप बिग बॉस 14 और नच पलिए 10 के इस मेगा क्लैश के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।